नमस्कार दोस्तों, दिल्ली फ्रूट मार्केट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज 9 फरवरी 2023 दिन वीरवार। दोस्तों चलिए जान लेंगे दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या कुछ बाजार चला। मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियां हैं भाई साहब के पास, ये हैं 2-3 गाड़ी प्याज की आई। जान लेंगे आज का क्या क्या रेट है। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे ये 40 किलो के मण के रेट हैं। यहाँ जो रेट चलता है दोस्तों ये 40 किलो का मण का रेट चलता है। चलिए जान लेंगे योगेश भाई साहब से कहाँ कहाँ की गाड़ियाँ हैं, कितनी गाड़ियाँ आज के क्या क्या रेट खुले। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब जी, आज का कैसा बाजार जी? मंडी में कितनी गाड़ियां हैं जी टोटल? मंडी में 27 गाड़ी फ्रेश अराइवल है। अच्छा जी। और 30-32 गाड़ियां कल की खड़ी है स्टैंडिंग में। अच्छा जी। कुल मिला के 60 गाड़ियां खड़ी हैं और 30 से 35 गाड़ी का नीचे बैलेंस है। फिर नई अराइवल तो कम ही आई जी? हाँ, नया अराइवल पिछले 2-3 दिन के बाद में आज कुछ कम हुआ है। अच्छा जी। कल भी थोड़ा कमी था, 30-32 गाड़ी ताजा थी। अच्छा, आज कल से भी आज थोड़ा कम है। अच्छा जी। ये गाड़ी कहाँ की है जी? ये जूनागढ़ राजकोट की गाड़ी है। ये और ये दूसरे वाली? हाँ जी, हाँ जी, ये वाली जी। हाँ, ये भी जूनागढ़ राजकोट की है। अच्छा जी। और ये वाली जी? ये महुआ की गाड़ी लगी है जी। अच्छा जी। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, ये सब गुजरात के माल है आज। अच्छा जी, सारा गुजरात है जी? हाँ, सारा गुजरात ही है टोटल। अच्छा जी। अच्छा, ये क्वालिटी चल रही है यहाँ पे 13 रुपए की पोजीशन में, मीडियम माल है ये। 13 रुपए किलो माल सारा एक जैसा है जी? डेरी करा है, एक जैसा माल है। 40 mm से 50 mm का प्याज है। 40 से 45 ही ज्यादा है। अच्छा जी। ये 13 रुपए बिक रहा है। 13 रुपए। और ये थोड़े हल्के माल है, बिक रहे 450-60 रुपए। ये 450 क्या रुपए किलो बन गया जी? ये 11.5 रुपए किलो की पोजीशन में। अच्छा जी। अच्छा, और ये जो पीछे आपके पड़ा है ये भी 13 रुपए किलो की पोजीशन का है। अच्छा जी। और ये गुलता लगा है, ये चला यहाँ 11 रुपए किलो की पोजीशन में। कौन सा माल है जी? ये भी जूनागढ़ का ही है। अच्छा, ये दूसरी जाली में? अच्छा, ये दूसरी में 600 रुपए बेच रहे हम। अच्छा, 600 रुपए मान। ये क्या रुपए बैठ गया जी? ये 15 रुपए किलो हो गए, क्वालिटी सुपर है। अच्छा, इसका क्या बताया जी? मीडियम का ज्यादा? ये 11 रुपए किलो। 11 रुपए। और आज का जी इसका ब्लैक का जी? ब्लैक वाला, ये ब्लैक महुआ की लगी है गाड़ी। हाँ जी। ये पोजीशन चल रही है, लगा लो आप 12 रुपए से लेके ऊपर में 13-13.5 रुपए। 12 से 13-13.5 रुपए। हाँ जी। एक बात जी, देखने में खाने में प्याज मारा तो नहीं है जी ये भी? नहीं, कोई हल्का नहीं है। अच्छा जी। यूपी में, पूरे यूपी में इसी को खाया जाता है ज्यादा। हरियाणा में, पंजाब में भी इसी को खाते हैं? हरियाणा पंजाब में, जब हमारा हरियाणा पंजाब का माल चलता है लोकल। हाँ जी, हाँ जी। जो गर्मी के कारण इसका रंग ब्लैक हो जाता है। ये थोड़ा टिकाऊ प्याज भी है। अच्छा जी। और की क्षमता में, इन प्याजों की क्षमता में 5-10 दिन अधिक टिक सकता है ये। अच्छा जी, ज्यादा लंबा टिकेगा जी? हाँ जी, हाँ जी, ये ज्यादा लंबा टिक सकता है क्योंकि ये इसमें किले की शिकायत नहीं आती है। अच्छा, जल्दी से? हाँ जी, हाँ जी। तो इसलिए पहाड़ों में ज्यादा लोग इसको खाते हैं, जैसे हिमाचल के अंदर। अच्छा जी। तो काले माल की डिमांड ज्यादा रहती है। अच्छा जी। और अभी देखो जी, चपटा प्याज है जी, बहुत सुंदर जी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल गोलाई वाले अच्छे माल है। 13-13.5 रुपए भी बिक रहे हैं, बढ़िया माल। 13-13.5 रुपए। थोड़े हल्के माल जो आ रहे हैं वो बिक रहे हैं 11.5-12 भी बिक रहे हैं। अच्छा जी। जो इसी में काले में आ रहे हैं, और कोई VIP क्वालिटी आ जाए तो 14 रुपए भी बिक जाती है। अच्छा जी। और जो बात करें भाई साहब जी आज की, जो नासिक वाले प्याज है, नासिक का क्या बाजार चल रहा जी? नासिक के जो प्याज है, नासिक के आप ये लगा लो आज फ्रेश अराइवल तो कम है। हाँ जी, 5-6 गाड़ी है फ्रेश अराइवल में तो। अच्छा जी। नासिक की पोजिशन 15 रुपए से 16 रुपए। नासिक की 15 रुपए से लेकर 16 रुपए किलो। हाँ जी, हाँ जी। और जो अपना बात करें जी इसकी, पूना वाले, पूना लाइन के माल, ये पूना लाइन के माल है। अच्छा, ये गाड़ी मीडियम माल 14-15। हाँ जी। और अच्छे मोटे माल 16-17-18 रुपए। अच्छा जी, हाँ जी, हाँ जी, ये पोजीशन है पूना के मालों की। अच्छा जी। और जो नया सीकर का जी? सीकर एक दो गाड़ी आ रही है, सीकर बिक रहा 8-10 रुपए किलो की पोजीशन में। ये मंदा क्यों जाता है जी? ये अभी गीला आ रहा है माल। अच्छा जी। इसमें अभी पानी की मात्रा ज्यादा है। अच्छा, अगले 10-15 दिन में इसी का स्कोप होगा। अच्छा जी। गुजरात की थोड़ी बिक्री 15 दिन बाद में कम हो जाएगी, 15 दिन बाद में सिकर के प्याज की बिक्री बढ़ जाएगी, ज्यादा बढ़ जाएगी जी। तो उसका थोड़ा भाव भी ठीक ठाक मिल जाएगा क्योंकि सूखे रहता है थोड़ा सा भाव। हाँ जी, हाँ जी, सूखे माल भी सूखे आएंगे। अच्छा जी, हाँ जी, हाँ जी। और आज कैरथल कितना है जी? राजा कैरथल 1084 कट्टा है। अच्छा जी। ये लास्ट वीक है, इस वीक में मेरे ख्याल से खत्म हो जाएगा। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी, काफी लंबा चल गया कैरथल। हाँ जी। आप ये लगा लो अक्टूबर के लास्ट से लेके और फरवरी आ गई, काफी लंबा चल गया, बहुत लंबा सीजन खा दिया। इस साल भाव मिला नहीं किसानों को, भाव भी नहीं मिला जी। और साथ में इनकी तो अबकी बार जो अगेती वाली फसल थी उसमें तो इनका प्रोडक्शन नहीं निकली, वो खराब हो गया था। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कोई कुल मिला के किसानों का और व्यापारियों को, हाँ जी, पैसा नहीं बन रहा है। अच्छा जी। क्योंकि भाड़े काफी ज्यादा महंगे हैं, 4-4.5 रुपए किलो के भाड़े है। हाँ जी। तो उसकी वजह से पैसे नहीं मिल रहे, किसान के घर में 5-6 रुपए किलो के पैसे जा रहे हैं। हाँ जी।
पाँच छह रुपए किलो में क्या होता है? नहीं जी, मैक्सिमम 10 से 12 रुपए किलो का तो खर्चा बैठता है। जो ये 15 रुपए किलो किसान के घर में पैसे जाए ना, तो उसके समझ लो उसको 10 रुपए के पैसे बनेंगे। 5 रुपए का तो उसका खेती का खर्चा ही आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 5 रुपए किलो का तो उसका खेती का खर्चा है। खर्चे बहुत है। हाँ जी, और लागत भी बहुत है और मेहनत भी बहुत है प्याज की खेती में, बहुत ज्यादा मेहनत। हाँ जी, हाँ जी, इसके और काफी दवाइयां भी जो पड़ती हैं आजकल वो भी काफी ज्यादा महंगी हो गई है। हाँ जी, और एक्सपोर्ट चल रहा जी है? एक्सपोर्ट चल रहा है। ये मंडी में माल जैसे कम आया, एक्सपोर्ट की डिमांड बढ़ी होगी या कम? पीछे 2-3 दिन से बाजार 1-1.5 रुपए टाइट है और हमारे यहाँ अराइवल बढ़ने से पिछले 1-2 दिनों में मंदा था। हाँ जी, तो इसकी वजह से अराइवल कट गया, किसी के पैसे बन नहीं रहे। अच्छा जी, 25-50 हजार से पर गाड़ी में नुकसान हो रहा था व्यापारियों को। अच्छा जी, तो इसकी वजह से अराइवल कट गया। अच्छा जी, और कल एक रैक लोड हुआ है महुआ से, जो मैं आपको पीछे बता रहा था। हाँ जी, 21 बक्से का कल लोड हुआ है एक रैक। 21, ये जो रेल के डिब्बे जी? हाँ, रेल के डिब्बे। एक डिब्बे में कितने आते हैं जी? 1000 कट्टा आता है इसमें। 1000? हाँ जी, हाँ जी। तो 21 हुए, 21 का मतलब 42 गाड़ी हो गई। 42 गाड़ी वो सैटरडे को यहाँ आ जाएगा पटेल नगर। अच्छा जी, हाँ, तो सैटरडे को मार्केट में आएगा। वो भी रैक भी बिकेगा मेरे ख्याल से 11 रुपए से लेकर 13 रुपए की पोजिशन में। 11 रुपए से लेकर 13 रुपए की। तो पटेल नगर क्यों आएगा जी? फिर आजादपुर क्यों निकालते उसको यहाँ पर? ये पटेल नगर ही लगता है वहाँ पे रैक काफी टाइम से। अच्छा जी, यहाँ लगता था, यहाँ चोरी ज्यादा होती थी। अच्छा, इसकी वजह से फिर पटेल नगर ही लगता है। अच्छा, यहाँ पीछे आपके बिल्कुल बैक साइड में प्लेटफार्म खुला है जी? हाँ, प्लेटफार्म खुला है। पहले 1-2 रैक लगे भी है यहाँ। हाँ जी, पुराने टाइम में, आज से 7-8 साल पहले। अच्छा जी, और यहाँ चोरी है और सारा सुनसान जंगल का एरिया है। सुनसान है, झुग्गी झोपड़ी है। अच्छा जी, और रेलवे की तरफ से भी थोड़ा ध्यान कम है। अगर रेलवे ध्यान दे तो चोरी तो होने का मतलब ही नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि रेलवे के तो कानून ही ऐसे हैं, अगर आदमी उसकी हथकड़े में आ जाए तो छूट ही नहीं पाता। हाँ जी, फिर तो पटेल नगर से जैसे आएगा तो उसका किराया 50 पैसे खर्चा बैठता है पटेल नगर से हमारी मंडी में आने का। अच्छा जी, 10 रुपए पैकेट किराया होता है गाड़ी का। फिर तो कोई ज्यादा नहीं जी। हाँ जी, हाँ जी, तो इस हिसाब से। अच्छा जी, हाँ जी, हाँ जी, चलो बढ़िया जी। कब तक आएगा जी फिर ये? ये सैटरडे को लग जाएगा रैक। अच्छा जी, हाँ जी, हाँ जी, 11 से 13 की पोजीशन में बिकेंगे। अच्छा, पोजीशन मार्केट स्टेबल हो गई अब। अच्छा जी, नीचे 11 रुपए, ऊपर गुजरात के माल माइक्रो 14-15 रुपए। अच्छा जी, अच्छा, तो ये मार्केट अब मेरे ख्याल से चलती रहेगी महीने 2 महीने। इस माल को क्यों देख रहे हैं? मैं जब आपके पास पहले आया था वीडियो बनाने से पहले, इसी माल को देख रहे हैं क्या? ये माल अच्छा है, क्वालिटी है, गोलाई वाला माल है। इनको थोड़ा सा मीडियम रेंज का चाहिए वैसे। हाँ, मीडियम रेंज। इनका क्या है, बाजार में 20 रुपए किलो बिक जाए। अच्छा जी, तो यहाँ से इनको जो 13 रुपए किलो की पोजीशन में मिलता है तो 20 बिक जाता है ना। अच्छा जी, उस हिसाब से ये ले रहे हैं यहाँ से। अच्छा जी, इसका खर्चा भी आता है। हाँ जी, जाके इनको वहाँ इनके घर में 15-16 रुपए किलो पड़ता है प्याज। नहीं, खर्चा यहाँ से टेम्पो पे लाद देंगे, पल्लेदारी देंगे। हाँ हाँ, तो सारा कुल मिला के सारे खर्चे करके इनको और वहाँ भी देना पड़ता है। बेचते हैं तो उसमें वजन शॉर्टिंग भी होता है। हाँ जी, हाँ जी, और मेहनत करें तो 2-4 रुपए किलो तो देखो इनको भी मिलना चाहिए। मिलना चाहिए जी, सब पब्लिक बाहर से आई है। यही बंदे हैं बेचारे जो रेडी पटरी वाले, जो आम आदमी के घर तक ये माल पहुंचा दें वाजे मार मार के। बिल्कुल, बार बेचारों को गाड़ियां भी मिलती है, इनको कोई कहेगा चल यहाँ से आगे खड़ो रेडी। बिल्कुल, बहुत सख्त काम है जी माल बेचने। मैं तो ये कहता हूँ कंपनियों से कोई माल ना खरीदे। हाँ जी, नीचे खरीदे, इनका भी घर चले। हाँ जी, और आपका भी घर चले, क्योंकि कंपनियों से आपको अच्छा देंगे और सस्ता देंगे। हाँ जी, और जो बाहर की जो कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियां जो काम कर रही हैं ऑनलाइन का। हाँ जी, आप ऑनलाइन ना ले। हाँ जी, क्योंकि सबके घर चले, गरीब आदमी का भी घर चले और आपको सस्ता भी मिले। हाँ जी, हाँ, कंपनियां आपको इस रेंज में नहीं दे पाएगी जो ये दे पाएंगे। और बहुत बंदे ऐसे हैं भाई जो इस टाइम बेरोजगार हैं, बेरोजगार हैं, जिनको काम नहीं है और इसमें काम में आके सबको रोजी रोटी मिल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ को शरीर में जान होनी चाहिए। इस आजादपुर मंडी के अंदर पल्लेदार भी 1000 रुपए की दिहाड़ी बना के जाता है जी। नहीं 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 देना वो, आप ये मान के चलो अगर इनसे बाहर ग्राहक या जो भी है होटल वाले हैं इनसे माल लेंगे। हाँ जी, उनको सस्ता मिलेगा। एक एक प्याज छाट के देते हैं बाजार में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, आप देखते हो बाजार में हम 1 किलो एप्पल लेने जाते हैं। हाँ जी, उसने एप्पल लगा रखे, हम अपने च्वाइस के दाने उठाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो जो इनसे हमें छूट मिलती है और जो ये मेहनत करते हैं। हाँ जी, तो इनसे ही माल लेना चाहिए, कंपनियों से कोई भी माल ना ले। गरीब बंदे का काम चला जी, घर चलेगा जी। हाँ हाँ, होम डिलीवरी वगैरह के चक्कर में कोई भी ना पड़े। मैं तो सबको तो खाली पैसे लग रहे जी उसमें, तो होम डिलीवरी के पैसे तो भी लग रहे हैं और वो जो क्वालिटी कंपनियां दे रही हैं। हाँ जी, उनसे बेटर ये देंगे आपको। सही बात, ताजा ले जाते हैं, ताजा बेचते हैं। 100% सही बात। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद भाई साहब जी। अपनी दुकान का एड्रेस 282 महावीर ओनियन कंपनी, 9540046282, योगेश शर्मा। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब जानकारी देने के लिए।